नियम सबको मालूम है और जो कि भाई हांडी के ऊपर वो नारियलों का नारियल से फोड़ना है और समय जो टिक टक रहता है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति रांची के तत्वाधान में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर अल्बर्ट एक्कर चौक पर दही हांडी का आयोजन किया जाना है। इसी के आयोजन की विस्तृत जानकारी के लिए राजधानी रांची के सेवा सदन पथ स्थित श्री महेश्वरी भवन के सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आयोजन समिति के संरक्षक रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ व सहित समिति के संबंधित पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता को संबोधित किया एवं आयोजन के संबंधित विस्तृत जानकारी दी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने बताया कि दही हांडी प्रतियोगिता के साथ राधा श्री कृष्ण के रूप में बाल प्रतियोगिता का आयोजन भी होगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में हमने कारगिल विजय दिवस की सालगिरह मनाई है और उस दिन इसको लेकर भी झांकी निकाली जाएगी। उन्होंने लोगों से 15 अगस्त के दिन हर घर तिरंगा लगाने की भी आह्वान किया है। नियम सबको मालूम है और जो कि भाई हांडी के ऊपर वो नारियलों का नारियल से फोड़ना है और समय जो टिक टक रहता है उसमें कहीं कुछ नहीं रहता, वो स्टॉप वॉच लगी रहती, बड़ी स्क्रीन लगी रहती, इसलिए कोई उसमें किसी को कहीं आपत्ति भी नहीं होती। तो ये खेल भी है, एक माहौल भी है, क्योंकि ये सब कार्यक्रम होता है ना, शहर जिंदा होता है, सामाजिक सौहार्द बढ़ता है, समाज जुड़ते हैं और तभी रांची आज पूरे हिंदुस्तान में इसीलिए जाना जाता है कि सामाजिक सौहार्द देखना है तो रांची को देखो। सभी जात धर्म संप्रदाय के लोग कार्यक्रम में भाग लेते और एक अच्छा ये प्रयास शुरू हुआ है और बाल गोपाल प्रतियोगिता तो बच्चे आते हैं तो 10 साल के बच्चे उसमें राधा कृष्ण बन के आएंगे, उनको पुरस्कार मिलता है, सबको पुरस्कार मिलता है, उसमें फर्स्ट सेकंड होता है, किंतु सबको पुरस्कार देते हैं बाल गोपालों का और देखते कितना उत्साहित होके छोटे छोटे गोद में बच्चे को भी लेके आते हैं। तो परंपरा भी अपने घरों में नहीं भी होता था तो भी अपने घरों में अपने बाल गोपाल को सजाते थे कि हाँ कृष्ण, हमारा बाल गोपाल कृष्ण जैसा हो। तो इस बार विशेषकर काली मंदिर से लेकर शहीद चौक तक व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग कि बाल गोपाल की बड़े बड़े कटआउट्स लगेंगे विभिन्न मुद्राओं में, पूरे वहां से वहां तक फूलों की सजावट होगी और बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन लगेंगे ताकि कोई कहां भी हो वो उसको देखने में कोई परेशानी नहीं हो। महिलाओं के लिए हम सब जो बुधिया मार्केट है, बुधिया मार्केट के पे पूरे लेफ्ट हैंड साइड पे व्यवस्था करेंगे महिलाओं को बैठने की ताकि वो भी उसका आनंद ले सके और मीडिया के माध्यम से तो लाइट पूरा झारखंड देखता है। दूसरा, महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार जी को आमंत्रण किया है, आसाम के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी को आमंत्रण दिया है और हमें कह सकते हैं कि ये कार्यक्रम बहुत अभूतपूर्व होगा। चलिए अब ज्यादा नहीं, आप लोगों को प्रसाद भी ग्रहण करना है, उसके पहले हमने आह्वान किया था पिछले ही शनिवार को, आज ही के दिन को, कि जैसा हमने नमो बुक बैंक, नमो ट्वाय बैंक, वैसे ही नमो वुलन बैंक। तो बड़ी मात्रा में आज भी लोग वुलन कपड़ा लेके आए हैं और मैं आपके माध्यम से हर घर तिरंगा, सपना तिरंगा, मन तिरंगा, दिल तिरंगा, घर घर तिरंगा,
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर, क्योंकि हमारी आन बान और शान भारतीय तिरंगा, जिस तिरंगे की आन बान शान के लिए हमारे लाखों सैनिक सर्वोच्च जिन्होंने बलिदान दिया, उन वीरों को याद करने का समय तो आपके माध्यम से हर घर तिरंगा कार्यक्रम भी घर घर हो, क्योंकि तिरंगा जहां हम सब लहराते हैं तो स्वतः ही पूरे शरीर में ऊर्जा आ जाती है, उमंग आ जाता है और तिरंगे की आन बान शान से देश प्रथम और राष्ट्र प्रथम का भाव भी आता है। और मेरा यह सौभाग्य रहा, ये ऐसे ही बता दे रहे, मेरा यह सौभाग्य रहा कि जब 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस का 25वां वर्ष मनाया जा रहा था तो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ द्रास कारगिल में जाने का सौभाग्य हमको मिला। वहां वॉर मेमोरियल में पुष्पांजलि, फिर वो टाइगर हिल जहां विजय प्राप्त की थी, तो भारतीय तिरंगे का शान जब तिरंगा देखा कि भाई टाइगर हिल पे वो तिरंगा लहरा रहा है तो वो तो अद्भुत दृश्य था। तो मेरा तो अभी हमने तय नहीं किया है, अध्यक्ष जी से माननीय संरक्षक सीपी सिंह जी हैं और अजय मारू जी हैं, अभी क्या हुआ पता नहीं, किंतु मेरा यह आग्रह है कि इस बार जो कारगिल विजय का 25वां साल हुआ है तो झांकी का रूप भी उसी अनुरूप हो, झांकी का हम लोग सब रूप दे, जहां भगवान श्री कृष्ण की झांकी होगी तो कारगिल विजय की भी झांकी हो। तो जब कारगिल विजय की झांकी होगी तो सेना कैसे सूरवीरों को सैल्यूट होगा और सीमाओं पर तैनात लाखों सैनिकों को हम संदेश भेज सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि